प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। एक महीने में खाली करना होगा सरकारी बंगला। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वाला बंगला खाली करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट हो सकती है प्रियंका गांधी। लखनऊ में कॉल हाउस की मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है। इंदिरा गांधी की दिवंगत मामी शीला कॉल के घर पर रह सकती है प्रियंका गांधी। तो बड़ी खबर आपको प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई बता रहे हैं। प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जो है जारी किया गया है। तो एक महीने में खाली करना होगा सरकारी बंगला। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित दुबे का, जो इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जो खबरें सामने आ रही है उससे तो यही है कि एक महीने के अंदर प्रियंका को अपना बंगला खाली करना होगा, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नोटिस दे दिया गया है, 1 अगस्त तक उन्हें अपना बंगला खाली करना होगा। हालांकि इसके पीछे कई तरह के तर्क आ रहे हैं। साफ तौर पूरी कांग्रेस जो है प्रियंका गांधी के बंगले को नोटिस को लेकर लामबंद नजर आ रही है। तमाम कांग्रेसी जो है वो केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की राजनीति कभी नहीं हुई। लेकिन शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों जो बात हुई उनका साफ तौर पर कहना था कि जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में प्रियंका गांधी फिट नहीं बैठती, ना ही वो कोई मिनिस्टर है ना वो कोई अधिकारी है, यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। और ऐसे में अब चूंकि एसपीजी सुरक्षा उनकी वापस ले ली गई, एसपीजी सुरक्षा के तहत भी बंगले अलॉट होते हैं, एसपीजी सुरक्षा भी वापस ले ली गई है, तो इसके बाद अब प्रियंका गांधी को उनका बंगला खाली करना होगा। और यही वजह है कि उन्हें नोटिस दिया गया। हालांकि कांग्रेस इन चीजों को साफ तौर पर नकार रही है और कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है, तमाम प्रवक्ता उनके सामने आए जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है और इस तुगलकी फरमान का वो जवाब जरूर देंगे और वो बंगला खाली नहीं करेंगे, अभी जो जिस तरह की सूचनाएं आ रही है। लेकिन अभी तक जो बंगला लगातार प्रियंका गांधी लोधी रोड पे जो बंगला है इस पे कई सालों से रह रही थी जब उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली थी। अब चूंकि एसपीजी सुरक्षा हटी है इस वजह से ये बंगला खाली कराया जा रहा है। जी अमित, बंगला खाली कराया जाएगा या नहीं वो तो बहुत जल्द पता चली जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जो खबरें आ रही है कॉल हाउस की मरम्मत का भी काम शुरू हो गया है, तो जिस तरीके से मरम्मत का काम लखनऊ में किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि प्रियंका इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है और बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएगी लखनऊ। देखिए दो चीजें हैं, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश को लीड करे, तो अगर उत्तर प्रदेश को लीड करना है 2022 में चुनाव है तो दिल्ली से रहकर उत्तर प्रदेश को लीड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है यूपी। और ऐसे में अब कांग्रेस कहीं ना कहीं भूमिका बना रही है और ये एक बड़ी वजह है कि प्रियंका गांधी जो है उन्हें लखनऊ शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ से वो अपनी राजनीतिक गलियारों में घूमेंगी, आगे की जो रणनीति है उसे तय करेंगे, क्योंकि सबसे जी अमित आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से गगन भी जुड़ चुके हैं। गगन, सीधा रुख आपका करना चाहूंगी। प्रियंका गांधी से जुड़ी खबर जो बड़ी आ रही है कि प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है, तो जल्द शिफ्ट हो सकती है प्रियंका गांधी लखनऊ, क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे अमित ने बताया कि दिल्ली से रहकर उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं हो सकती है, उत्तर प्रदेश में आपको रहना ही पड़ेगा। हालांकि प्रियंका गांधी पहले से भी उत्तर प्रदेश काफी मौकों पे आ चुकी हैं, किसी भी ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो प्रियंका गांधी जरूर उत्तर प्रदेश आती है, उस संबंधित जिले जाती है, संबंधित गाँव जाती है। लेकिन अगर राजनीति में सक्रिय रहना है खासकर उत्तर प्रदेश की, तो आपको उत्तर प्रदेश के केंद्र लखनऊ में रहना ही होगा। इसी के चलते जिस बंगले में इस समय खड़े हैं, ये बंगला शीला कॉल का है, कॉल भवन, यहीं पर प्रियंका गांधी का नया ठिकाना सकता है, ऐसा अंदर खाने से जो बात सामने आ रही है उसी बंगले को उन्हीं के लिए तैयार किया जा रहा है। हम आपको का थोड़ा बहुत दिखा भी दें कि ये जो बंगला है ये नेहरू परिवार और गांधी परिवार से काफी पुराना इनका रिश्ता रहा है, तो ये बंगला उन्हीं का हुआ करता था। लेकिन 2015 में जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद से ही इस बंगले में कोई नहीं रह रहा था, लेकिन अब प्रियंका गांधी के लिए तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है प्रियंका गांधी इसी बंगले में रहकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां हैं वो यहीं से कर सकती हैं, क्योंकि नेताओं से जो दूरियां बन रही थी, नेताओं से जो संवाद हो नहीं पा रहा था ठीक से,
उसको सटीक करने के लिए, उसको बैठाने के लिए और उसको लगातार कंटिन्यूटी बनी रहे उसमें। और जिससे अभी हाल ही में जब अजय कुमार लल्लू जेल गए थे उसके बाद माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी उनसे मिलने आएंगी या प्रियंका गांधी की सक्रियता उत्तर प्रदेश में दिखेगी, लेकिन वो दिख नहीं पाई। उसका एक मेन मुख्य कारण था कि वो दिल्ली में थी और उत्तर प्रदेश में आना इस तरह से तो वो संभव नहीं हो पा रहा था। इसी के चलते अब लखनऊ में प्रियंका गांधी रहेंगी और इसी बंगले में रहेंगी, तो नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुआ करेगी, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हुआ करेगी। और जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में गगन आप उसी बंगले में मौजूद है जहां पे प्रियंका गांधी शिफ्ट कर सकती है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि वहां का नजारा, वहां का माहौल कैसा है और क्या मरम्मत का काम अभी भी वहां पे चल रहा है। देखिए आप बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि वो जो बंगला है वो रेनोवेट लगभग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बंगले में रहते हैं काफी सालों से खाली पड़ा है और उस तरह से अभी प्रियंका गांधी के रहने के लायक नहीं था, क्योंकि प्रियंका गांधी के पास पहले एक्चुअली सुरक्षा थी, उसके बाद एक्चुअली सुरक्षा उनकी हटाई गई, लोधी स्टेट बंगला था वहां रहा करती थी। आज लखनऊ में आई तो किसी होटल में रुक गई और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उन्होंने कांग्रेस कार्यालय चुन रखा था, लेकिन अब जब प्रियंका गांधी इस बंगले में रहेंगी आकर, ये बंगला स्पेशियस है, यहाँ पर उनका कार्यालय भी बन सकता है और यहाँ जो कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है वो भी आ सकती है। अब तो जिस तरह से बंगले की जो स्पेस वो उस तरह से है कि यहाँ पर आराम से प्रियंका गांधी लोगों को जो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मिल सकेंगी, कार्यकर्ताओं से बात कर सकेंगी, अपनी जो नई रणनीति होगी वो कर सकेंगी। तो साफ तौर पर ये बंगला उनके लिए बिल्कुल सटीक इसीलिए बैठ रहा है कि बंगले में उनके लायक यहाँ पर जहाँ पर जी गगन हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि ये बंगला कितना स्पेसियस है और यदि प्रियंका गांधी यहाँ पे अपना कार्यालय दफ्तर भी बनाती है तो भी बना सकती है, कार्यकर्ता यहाँ आके मिल सकते हैं, काफी स्पेसियस बंगला है। सीधा रुक करते हैं एक बार फिर से, हमारे साथ गगन जुड़े हुए हैं। गगन, लगातार जो खबरें सामने आ रही है कि प्रियंका शिफ्ट हो सकती है, मरम्मत का काम चल रहा है, तो इस घर पे जो जिस बंगले के बाहर आप खड़े हैं वहां पे फिलहाल कौन कौन है? खबरें हैं कि अभी यहाँ पे प्रियंका गांधी की मामी रहती है, उनकी मामी के अलावा कोई और है क्या प्रियंका गांधी के सदस्य परिवार से जुड़ा हुआ? ब्लॉक बिल्डिंग में वो रुकती है, यहीं पर अलग अलग दो पेड़ हैं। देखिए कॉल मामी तो वो उनकी डेथ ही 2015 में हो चुकी है, उसके बाद से ही बंगला लगभग खाली था, यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ का जो केयर टेकर है वो रहता था। और क्योंकि हम बंगले के बाहर नहीं, हम बंगले के अंदर खड़े हैं, इसीलिए हमने आपको पूरा बंगला दिखाया है, क्योंकि बंगले के जो जिस तरह से बंगला की स्थिति है उस हिसाब से यहाँ पर तो रह नहीं सकता है, इसी चलते ये बंगला खाली हुआ था काफी सालों से। लेकिन ये जरूर है कि प्रियंका गांधी की सुबुगाहट हुई, क्योंकि ये उनका डिसीजन लोधी स्टेट खाली होने के आदेश के पहले था या बाद था ये जरूर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर है कि प्रियंका गांधी ने मूड काफी सालों से बना रखा था कि यहाँ पर वो रहेंगी आकर, और इसी की स्थिति बंगला पूरा तरह से तैयार किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि काफी सालों से जब जैसे कि जिला 2015 में हो चुकी है, उसके बाद से ये बंगला खाली हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता था। लेकिन लखनऊ में ठिकाने की बात करें, लखनऊ में कोई और ठिकाना ऐसा नहीं थे जहाँ से प्रियंका गांधी के आवास बनाया जा सके या प्रियंका गांधी का ठिकाना मार सके, इससे कोई सटीक कोई ऐसी जगह नहीं थी। इसी के चलते प्रियंका गांधी ने इस मकान को चुना, क्योंकि जब याद होगा तब 2017 का चुनाव था, तब शीला दीक्षित को कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया था, उसके बाद भी शीला दीक्षित ने भी अपना मकान अपने ही एक फैमिली मेंबर्स हैं उनका ठिकाना बनाया था और यहाँ पर ये लखनऊ में ही रहकर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा था। इसी के चलते प्रियंका गांधी भी जिस तरह से सक्रियता बढ़ानी है उनको, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका फिलहाल अभी तो निभा ही रही है, जिस तरह से सपा बसपा को टक्कर दे रही है, उसी को चलते अब प्रियंका गांधी लखनऊ में रहने आ रही है, उसी बंगले में रहने आ रही है। फिलहाल इस बंगले में तो खाली है, अभी ये जरूर है कि जल्द से जल्द प्रियंका गांधी का ये नया ठिकाना कॉल हाउस हो सकता है। जी बिल्कुल गगन, जल्द से जल्द नया ठिकाना हो सकता है। एक बड़ी खबर आप तक एक बार फिर से पहुंचा दे, प्रियंका गांधी से जुड़ी बड़ी खबर, प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है, एक महीने में खाली करना हो सकता है प्रियंका गांधी को अपना दिल्ली वाला बंगला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों संवाददाता का।